Click on the subscribe button to never miss an update from Prime Movies Channel. Ah!
बदौलत मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। अब हर किसी को मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ओह मेरे आका जी जी बा, अमीरों के मालिक, आप तो पहले से ही दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर हैं। जागो नोस्त्रेदाम, जागो, जागो। बोलो तुम क्या जानना चाहते हो जादूगर? भविष्य के सरदार, मेरी ताकत के बारे में बताओ, मेरा भविष्य बताओ। सावधान सावधान जादूगर, तुम सबसे ताकतवर इंसान नहीं हो। सबसे ताकतवर इंसान तुम्हें खत्म करने के लिए पैदा हो चुका है। मेरा खात्मा करेगा, मेरा खात्मा। वो कौन है, कौन है? वो है बरसा का नन्हा शहजादा, जिसका नाम है दैन अल अकमल। वो बादशाह अलादीन का बेटा है। अपने 21वें साल की पहली पूर्णिमा की रात को तुम्हारा खात्मा करेगा। एक नन्हा शहजादा, नन्हा शहजादा। जागो कोरा, जागो। जाओ जाओ कोरा, और अलादीन के शहजादे को खा लो। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अलादीन, आपको अपना पहला बेटा और भविष्य का बादशाह सुपुर्द करता हूँ। इसका नाम होगा दैन अल अकमल, बरसा के नाम, मल्लिका डायना के नाम, मेरे बेटे के नाम और आपके शहजादे के नाम। जादूगर ज़ी ज़ी बा के खातिर आया हूँ। ज़ी ज़ी बा, मुझे अलादीन का बेटा चाहिए। मेरा बेटा, संभालो इसे। मेरे बेटे को मुझे दीजिए। सिपाहियों, खत्म कर दो इसे, ये बच नहीं ना पाए। जेले बदसूरत जानवर। कहाँ जाओ?
अरे ठहरो, जल्दी कीजिए। अरे डायना, दरवाजा बंद कर दीजिए जल्दी। क्या हुआ? ये एक राज की बात है। मेरे बच्चे को संभालो नानी माँ, और इसका पूरा ख्याल रखना, ये बहुत बड़े खतरे में है। पर हुआ क्या है? आपने माँ जैसा मेरा ख्याल रखा, अब इसका भी उसी तरह ख्याल रखना। हाँ, हाँ, शहजादे को छिपा दो इसे। बच्चा नहीं है, कहाँ है वो बच्चा? बच्चा नहीं है। मैं जानता था ये बेवकूफ है। वो कहाँ है बताओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। खत्म कर दो, पर मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारे गंदे हाथ उस तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। एक माँ का प्यार हमेशा मेरी आंखों में आंसू ला देता है। तुम तो सम्मान के काबिल हो। उड़ने की कोशिश बेकार है। अब यहीं पड़ी रहो। आपने इसे तोता क्यों बना दिया मेरे आका? जब तक ये पता नहीं देती कि बच्चा कहाँ है, ये तोता बनी रहेगी। अलादीन, 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 अलादीन। चलने को तैयार? हम तैयार हैं बादशाह सलामत। हम ज़ी ज़ी बा को ढूंढ निकालेंगे। जरूर ढूंढ निकालेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। वो आएगा और तुम्हें मार डालेगा। जागो समुद्री शैतान, जागो। अल कलीबुल, कमाल कर दिखाया है समुद्र के शैतान, अब तुम जा सकते हो।
डायना। अलादीन नहीं। डायना। तुम्हारा पति तो बहुत ही बहादुर है। वो आएगा और तुम्हें मार डालेगा। छोड़ो। जाओ, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। अलादीन, अलादीन। ये किसकी आवाज है? मैं यहाँ हूँ अलादीन। वही रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं अलादीन, मैं डायना हूँ, तुम्हारी डायना। हाँ, मैं तुम्हारी डायना हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया डायना? मेरी बात सुनो, ज़ी ज़ी बा नाम के जादूगर ने मुझे ऐसा बना दिया है। आका, क्या आप उस आदमी को छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा, बेवकूफ। और फिर उसने मुझे तोता बना दिया अलादीन। अलादीन, बहुत बढ़िया, पुतले के ऊपर चिड़िया। ये तुम्हें क्या हुआ अलादीन? ओ मेरे अलादीन। ओ माफ करना, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि जब तुम तोते में बदल जाओगी तो उसके बाद तुम्हारी कहानी सुनने वाला पत्थर के पुतले में बदल जाएगा। और अब तुम देखो, तुम खुद देखो, तुमने ही इसे पत्थर का बना दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुमने क्या किया इसके साथ अलादीन? अलादीन! नहीं। तो फिर मैं ये देखता हूँ कि तुम अपना इरादा पहले बदलती हो या फिर मैं उसे पहले ढूंढ निकालता हूँ। बताओ नोस्त्रेदाम, वो बच्चा कहाँ है? जादूगर, मुझे वर्तमान का कुछ पता नहीं, मैं सिर्फ भविष्य के बारे में बता सकता हूँ। नहीं, वो अपने 21वें साल की पहली पूर्णिमा की रात में तुम्हें खत्म कर देगा। नहीं, ये किसका बच्चा है? रुक जाओ, ये मेरा बच्चा है। सुनो बरसा के लोगों, मैंने तुम्हारे बादशाह और उसकी बीवी को अपने कब्जे में कर रखा है। मैं ज़ी ज़ी बा तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने बादशाह के शहजादे को मेरे हवाले कर दो। जो भी ऐसा करेगा, मैं उसे बरसा का बादशाह बना दूंगा। करे क्या न करे, मैं हूँ। सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ इस जहाज के कप्तान के अलावा कोई नहीं है। मोहतरमा, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो ऊपर आकर बताइए, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? तो ये है नन्हा शहजादा। इसे राजी रखना, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए। चुप रहो, मुझसे वादा करो तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, वरना इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, क्या तुम इसे यहाँ से ले जाओगे किसी दूसरी जगह, मेरी खातिर, हमेशा के लिए? देखिए मोहतरमा, आपको गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, आपके लिए इतना करके मुझे खुशी होगी। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ।
ए नन्हे शहजादे, अब मैं शायद तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊं, लेकिन मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये बहुत अच्छा नाविक बनेगा और अब से इसका नाम होगा मुस्तफा। मुस्तफा, कितना प्यारा नाम है मुस्तफा। मेरा यकीन करो, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेवकूफ। तुमने तो मुझे मार ही दिया था। मुझे तो लगा था अब मैं नहीं बचूंगा। और तुम बच गए। तुम्हें उन तूफानी लहरों में गिरने के बाद मैंने ही बचाया था। हमने अपना जहाज और अपने दोस्त मुस्तफा दोनों को ही खो दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेवकूफ। सुनो दोस्तों, देखो वहाँ सड़क है और वो सड़क किसी गांव में जरूर जाती होगी। मुस्तफा तो सही सलामत है। आओ चले दोस्तों, जल्दी आओ। रुको यार, आ रहा हूँ। Ha
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। मैंने ये नई खरीदी है शहजादी। तो कभी हमें भी पहने देना। शहजादी कनीजों के साथ मजाक कर रही हैं। हाँ, और तुम सिपा सालार हो और वो हंसते नहीं। मुश्तैद रहो सब। तैयार है सरदार। तैयार है सरदार। चलो चलो साथियों। ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं ये? पता नहीं, कोई जानता है? चलो आगे बढ़ो। सिपाहियों, शहजादी का ख्याल रखो। ये लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं? कौन है ये लोग? रुक जाओ। क्या हो रहा है वजीर? चलो, वो आ रहे हैं। लूट लो, मिलने वाला है। मैं मदद लेकर आता हूँ। ठीक है सिपाहियों, इन पर हमला करो। कोई भी बचने ना पाए। आखिर हो क्या रहा है? ये सब क्या है? वजीर कहाँ है? शहजादी, आप बाहर मत देखिए। मेरी माशुका बनना चाहोगी? पहले ये लो। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त। आपको 30 मार का समझते हो? ये खेल मुझसे खेलना चाहते हो? क्यों नहीं, क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो? दोस्त, मर्द की तरह लड़ो। दिखाता हूँ। आओ। तुम सब आओ। और तुम सब भी भाग जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। भागने में चलो, चलो भागो। यहाँ से ये लो, भागो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी बता दो, भाग गए, भाग गए। भाग गए।
तुम लोग कहाँ थे? यहीं पर थे, देख रहे थे, तुम्हें जरूरत होती तो आ जाते, है ना? हाँ। होए, 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 हाँ। आह, ना, 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 रुकिए। अब तो खेल खत्म हो चुका है। शुक्रिया, बहादुर नौजवान। तुम जानते हो हम कौन हैं? जी हाँ, वही जिसकी मैंने जान बचाई। बस इतना ही। हम शहजादी लैला हैं। हमारे अब्बा जायगा के सुल्तान हैं। शहजादी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मुस्तफा है। आइए शहजादी। आप ठीक तो है ना? हम ठीक हैं। अपने बारे में बताओ। बस एक नाविक हूँ, मेरा जहाज पास ही डूब गया। शहजादी से दूर रहो वरना जान से जाओगे। नहीं वजीर, इसी नौजवान ने हमारी जान बचाई है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा इनाम। जरूर, हम जरूर लेंगे हुजूर, वरना आपको बुरा लगेगा। नहीं शुक्रिया जनाब, खूबसूरती को बचाना अपने आप में एक इनाम है। मेरे दोस्त कुछ ज्यादा ही सीधे हैं, उनके पास शरीर बड़ा है लेकिन दिमाग छोटा। अपना ख्याल रखना शहजादी। ये उसे इस तरह से क्यों घूर रहा है? लेकिन कैसे कैसे? सब ठीक है सुल्तान, मैं और सिपाहियों को लेने गया था, अब सब ठीक है। ओ, ओ मेरी प्यारी प्यारी शहजादी। अब्बा हुजूर, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे तुम्हारे सैनिक कहाँ थे? कप्तान, मेरा मतलब है सुल्तान, मेरे सिपाही। सैनिक तो बहुत सारे थे, पर पता है अब्बा हुजूर? नहीं, हमें एक बहादुर नौजवान नाविक ने बचाया। क्या ये सच है? सुल्तान, मैंने देखा तो नहीं, पर मैं और मेरे सिपाही। हाँ ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है, पर वो नौजवान कौन है? ढूंढो उसे। ढूंढना होगा, मुझे उसे जरूर ढूंढना होगा। वो जिंदा है और बस 3 महीने में वो 21 साल का हो जाएगा, और 21 साल का होते ही वो तुम्हें मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो मरेगा। दुष्ट जादूगर, तुमने मेरे पति को पत्थर का पुतला और मुझे तोता बना दिया, पर तुम मेरे बेटे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। वो तुम्हें मार डालेगा। आका, आपने इन 20 सालों में उसे जमीन पर हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिला। एक काम करिए मेरे आका, अब आप उसको पानी में ढूंढिए, वो आपको जरूर मिलेगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ऊपर वाले, मेरे बच्चे को सलामत रखना। यार बहुत भूख लग रही है। 3 लोगों का खाना लाया हूँ, 6 रुपए हो गए, और कुछ चाहिए क्या? खुशबू तो लाजवाब है, शहर में पिछले 5 साल से सूखा पड़ रहा है। आप थोड़ा पानी देंगे आप? अरे भाई, पानी के और 10 रुपए अलग से लगेंगे। 10 रुपए? पानी बड़ा महंगा है यहाँ, पानी का भी कर देना पड़ता है भाई साहब। तो बहुत ठीक है, हम पैसे देंगे। ठीक है अब हालो। ये लो, और लो। बताओ तो, पानी के भी 10 रुपए ले लो। लेना चाहोगे? चोर कहीं के। मुझे प्यास लगी थी। इतनी हिम्मत? ठहरो, तुझे मैं नहीं। बहुत हो गया, इस शहर में कोई भी बिना पैसे के पानी नहीं पी सकता। सिर्फ पैसों के लिए इसे पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता। इतने काफी हैं? ओ, अरे इतने सारे पैसे, भैया जितना पानी पीना है पी लो।
ये रख लो बच्चे। सड़क को खाली करवाओ, शहजादी आ रही है। जल्दी सड़क खाली कराओ, शहजादी आ रही है। शहजादी के लिए सड़क खाली कराओ। रोज इसे नहलाने के लिए लेकर जाओ। क्या समझती है खुद को, होगी शहजादी? मैं भी तो सिपहसालार हूँ, हाँ, मुझसे इस तरह के काम करवा रहे हैं ये लोग, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। नजर रखो, शहजादी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आंखों पर पट्टी बांधो। हाले नीचे रखो। जी हुजूर। खड़े हो जाओ। जी हुजूर। आंखें बंद करो। जी हुजूर। अपनी पट्टियां निकालो, पट्टियां आंखों पे बांधो। जी हुजूर। नीचे झुको। जी हुजूर। अपने भाले उठाओ। जी हुजूर। पीछे घूम जाओ। जी हुजूर। शहजादी, अब आप नहा सकती हैं। पानी बहुत ठंडा है। शहजादी ने अभी तक पूरे कपड़े नहीं पहने। हाँ? लेकिन मैंने नहीं देखा। तुमने नहीं देखा पर मैंने देख लिया। चलिए शहजादी। देख लिया? ना ना ना, पट्टी मत खोलना वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हाँ? जाने मत देना। देखो, देखो भाग ना पाए। पकड़ो उसे। ये तो वही। चलिए शहजादी अंदर चलिए। पकड़ लिया। जी हुजूर। भाग गया। देखो पकड़ो उसे। किधर ढूंढे उसको? वो भाग रहा है। आंख पर पट्टी है, देख भी तो नहीं सकते। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। बेवकूफो, पहले अपनी पट्टियाँ खोलो। हाँ। और फिर ढूंढो। सैनिको। शहजादी, वो घुसपैठिया भाग गया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम उसे पकड़ लेंगे और उसे अदालत में पेश करेंगे। अच्छा वादा है। जी, शुक्रिया शहजादी। जल्दी करो, महल की तरफ चलो। सिपहसालार, जल्दी महल की ओर चलो। महल की तरफ चलो। जी हुजूर। महल पहुंच गए शहजादी साहिबा। यहाँ नहीं, सवारी को हमारे कमरे तक ले चलो, हम वहीं उतरेंगे। सिपहसालार,
शहजादी आपके कमरे तक पर क्या आप चलने की तकलीफ करेंगे या यहीं रुककर सवाल जवाब करना है? जी शहजादी, शहजादी साहिबा को उनके कमरे तक ले जाओ। शहजादी जाओ यहाँ से, हम बहुत थके हुए हैं, हमें अकेला छोड़ दो। चलो चलो जल्दी चलो, शहजादी नाराज हो रही है। अब जल्दी बाहर आओ, उसे जाने दो। मैं सैनिकों को बुलाती हूँ शहजादी, वो इसका सर कलम कर देंगे। नहीं रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं, और तुम जा सकती हो, और अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मेरा सर शहजादी? जाओ निकल जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता शहजादी को हो क्या गया है। शुक्रिया शहजादी। तो बताइए अब आप मेरे साथ क्या करने वाली हैं? पहले तो तुम मुझे बचाते हो और उसके बाद मुझ पर जासूसी करते हो। तुम एक जाबाज हो या फिर एक लुटेरे? सवाल मीठा है पर आपकी नजरें बहुत तीखी हैं। अच्छा आप मुझ पर डोरे भी डाल रहे हो। आपको लगता है तुम एक जाबाज हो या लुटेरे? बचिए शहजादी। आइए आइए शहजादी, बहुत बढ़िया। आइए आइए शहजादी। वाकई गजब लड़ती हैं आप। तुम बहुत ही बदतमीज और घमंडी हो। थोड़ा थोड़ा दोनों ही हूँ शहजादी। बदतमीज? इसमें मेरी कोई गलती नहीं शहजादी। जब से आपको देखा है मुझे इश्क हो गया है। तो क्या इसीलिए तुमने हमें बचाया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है तो इस बार हमने तुम्हें बचाया, हिसाब बराबर। ठीक है शहजादी, आपने मुझे बचाया, लेकिन अगर आपने इनकार किया तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगा। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं का क्या मतलब? कल हमारे अब्बा हुजूर ने एक बहुत ही बड़ा मुकाबला रखा हुआ है जिसमें मुझसे शादी की ख्वाहिश करने वाले लोग हिस्सा लेंगे। अच्छा, शाही खानदान के शहजादे कल होने वाले उस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। ऐसा होगा? और हम जिसे पसंद करेंगे उसे मुकाबला जीतना होगा और उसी से हमारी शादी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा? हमें एक गाय की तरह घूंटे में बांधा जा रहा है और तुम कहते हो अच्छी बात है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मैं वहां आऊंगा, उस मुकाबले में हिस्सा लूंगा और फिर आपका हाथ मांगूंगा, है ना अच्छी बात? नहीं है? अब क्या हुआ? आप तो मुझे ही चुनेंगी, है ना? तुम्हें चुनूंगी, एक अजनबी को? तुम जैसे एक मामूली से नाविक को हम तुम्हें कैसे चुन सकते हैं? एक मामूली सा नाविक, तो फिर ये कितना मामूली है? नहीं, आप मुझे ही चुनेंगी क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर मुलाकात होगी शहजादी।
आपने देखा देखा, मैंने आपसे कहा था ना, ये वही आदमी है। हाँ, कौन हो सकता है ये? कौन है? दरवाजा खोलिए। खोलिए जनाब। खोल रहा हूँ। इस वक्त क्या चाहिए? कपड़े, सबसे अच्छे कपड़े, एकदम बढ़िया। नहीं 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 नहीं, लेकिन लेकिन तुम हो कौन? नाविक हूँ। मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। अरे भाई, शहजादी अपना शौहर चुनने वाली हैं। हाँ, पर वो तो कल ही चुन रही हैं। तो आप अभी से काम शुरू कर दें। ये रहे आपके पैसे। हाँ? पैसे देखते ही काम शुरू कर दिया जनाब ने। कैसा लग रहा हूं मैं? हाँ, बिल्कुल शहजादे की तरह। कौवा चला हंस की चाल, चाल है ना? वाह, बहुत बढ़िया। अब किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा हूं मैं। ए, सुनो। आपको मुझसे क्या काम? ये लो। ये तो शहजादी का पैगाम है। तो भाई, ये तो होना ही था। वो मुकाबले से पहले मुझसे मिलना चाहती हैं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है मुस्तफा? बिल्कुल। हो सकता है किसी और ने लिख दिया हो। अगर ये शहजादी का पैगाम नहीं हुआ तो? बेवकूफ हो, और कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। मुझे जाना ही होगा। चलो मेरे दोस्त। सुनो दोस्तों, आपका दोस्त किसी मुसीबत में फंसने वाला है। मुसीबत? हाँ, वो वजीर का आदमी था, इसका मतलब वो जरूर मुसीबत में फंसेगा। क्या कह रहे हो, किस तरह की मुसीबत? ये तो नहीं बता सकता, पर कुछ करो। चलो, वो मुसीबत में है। चलो मुस्तफा। मुस्तफा, रुक जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन और क्या हो, पर तुम यहाँ कोई खेल नहीं खेल सकते। पर मैंने किया क्या है? तुमने दो बार अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, पर मैं तुम्हें गुनहगार मानता हूँ। ये तहखाना शाही तख्त के ठीक नीचे बना है, जिसे सुल्तान के पिता ने बनवाया था। वो अपने दुश्मनों को अपने पैर के नीचे रखना चाहते थे। तुम यहाँ रहकर शहजादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अलग मुल्कों से आए हुए शहजादे जो इस प्रतियोगिता में आए हैं, उनका स्वागत है। दुबई के शहजादे मरीब। अल्बीनिया के शहजादे इफ्तिखार उल रहमान। सीरिया के शहजादे अबू बकर। वहां तक पहुंचने की मुझे। तुर्किस्तान के शहजादे जमालुद्दीन। मिस्र के शहजादे। हम बुला गए। जल्दी करो। ओ, क्या कर रहे हो? जल्दी करो। अरे हिल क्यों रहे हो? अरे मेरे पे जल्दी करो यार। अरे मुस्तफा, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे मोटू, तू इतना क्यों खाता है? मेरे खाने पर नजर मत लगा। अरे जल्दी करो यार, मेरा दम निकल रहा है। शेख लाए हैं ईरान से। शहजादी लैला। हाँ?
शहजादी लैला, मैं यहाँ नीचे हूँ। लैला, शहजादी लैला, मैं यहाँ नीचे हूँ। यहाँ तहखाने में आवाज है, और ये आवाज आ कहाँ से रही है? शहजादी लैला, इस तरफ। मुस्तफा, शहजादी लैला, मैं यहाँ हूँ। मुस्तफा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके सिपाहियों ने मुझे कैद कर लिया। लैला, लैला। अब हुजूर, ये वही है जिसने हमारी जान बचाई थी। कौन है ये नौजवान और कैद खाने में क्या कर रहा है? वजीर, इसे फौरन ऊपर लेकर आओ। जी हुजूर। सिपाहियों, तुम लोगों ने इसे किस जुर्म में कैद खाने में डाल रखा है? क्योंकि मैंने इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहा था सुल्तान। हुजूर वाला, ये एक साधारण नाविक है, किसी शाही खानदान का नहीं। लेकिन अब्बा हुजूर, हमने इसे अपने लिए चुन लिया है। और मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। मुझे बताओ जांबाज, तुम हो कौन? मैं हूँ मुस्तफा। मुझे नहीं पता मेरे अब्बू अम्मी कौन हैं। मेरी परवरिश बरसा के एक नाविक अल हबीबी और उसकी बीवी ने की है। बरसा, शहजादे का चुनाव करते वक्त सबसे अहम चीज होती है उसका खानदान। इस जांबाज नौजवान ने मेरी शहजादी को बचाया, तो फिर क्या ये काम किसी खानदानी शहजादे के काम से कमतर है? फिर भी सुल्तान, जियारगा के पाक कानून के मुताबिक जो शहजादी लैला से शादी करेगा वो सचमुच एक शहजादा होना चाहिए, चाहे वो किसी शाही खानदान से हो या उसने कोई पुरजोर काम किया। ठीक है, ऐसा ही होगा। नौजवान, मैं अपनी शहजादी का हाथ तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरे दिए हुए काम को पूरा करोगे। आप जो भी काम सौंपेंगे मैं उसे पूरा करूंगा सुल्तान, क्योंकि मेरी मोहब्बत दांव पर लगी हुई है। अच्छा बोल लेते हो, अब देखना है तुम में बहादुरी कितनी है। पिछले 6 महीने से हमारी सल्तनत की नदी पता नहीं क्यों सूख गई है, और जो भी पता लगाने गया वो आज तक लौट कर नहीं आया। बस यही तुम्हारा काम है, उस नदी को वापस हमारी सल्तनत में ले आओ, तभी तुम हमारी शहजादी से शादी कर सकते पर अब्बा हो। हुजूर, ये काम तो नामुमकिन है। आप जानते हैं जो भी वहाँ गया वापस नहीं आया। इसे तो ये करना पड़ेगा सल्तनत को बचाने के लिए। क्या मैं सही फरमा रहा हूँ? सही कहा सुल्तान। मैं आपसे वादा करता हूँ सुल्तान, मैं ये काम पूरा करूँगा। जहाज खो दिया, तुमने मुस्तफा को खो दिया। हे ऊपर वाले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब मैं मल्लिका को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मुस्तफा सिर्फ एक नाविक नहीं है। मुस्तफा कहाँ हो तुम? वो बरसा का असली वारिस है, महान अलादीन का बेटा है, जहाँ होगा सलामत होगा। बरसा का शहजादा। मेरे पैर दुख रहे हैं यार। मुस्तफा रुको, मैं और नहीं चल सकता। हमें सारा दिन हो गया चलते हुए, पानी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ चला गया सारा पानी? पता नहीं कहाँ, ऐसा लगता है जमीन ने सारा पानी सोख लिया। तुम्हें क्या लगता है हमें किधर जाना चाहिए? मुझे लगता है हमें नदी के साथ साथ चलना चाहिए। क्या तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? मीलों तक ये नदी सूखी पड़ी हुई है। तो ठीक है, हम उस पहाड़ के ऊपर चलते हैं और वहां से चारों तरफ देखेंगे। बढ़िया तरकीब है। ये पागलपन है, सोचने में वक्त बर्बाद मत करो, अब चलो। तुम कहां जा रहे हो? देखो इस अजीब सी गुफा को, एक बड़ी सी चट्टान भी है यहाँ पर। पानी इस चट्टान के पीछे होना चाहिए, चलो हटाते हैं। इस तरफ से बेवकूफ, यहाँ लगा, जो लगा। आ, 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 आ,
ये क्या हो रहा है? ये हमने क्या किया? अरे 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 भागो भागो, अरे ये क्या है? इसने मेरी लीक में कलर डालने की हिमाकत की। सुनो अथा ताकत के मालिक, हमें ऐसा करने के लिए माफ कर दें। हम लोग ज़ियागा के सुल्तान के हुक्म से यहाँ आए हैं और इस नदी के पानी की तलाश में हैं। तुम कुछ भी कर लो मगर उस चट्टान को नहीं हटा सकते। वो अगर दुनिया में किसी चीज से हट सकती है तो वो है सिर्फ हीरे की तलवार। मुझे यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने का कोई शौक नहीं है, मैं बस यहाँ पानी की तलाश में आया हूँ। तुम मेरे घर में घुस आए हो और ये नदी मेरी है। ये नदी ही मेरे खाने पीने का एक जरिया है और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम एक बेवकूफ हो। तुम उस नदी को नहीं ढूंढ पाओगे और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम तुम्हें बेवकूफ नजर आते हैं? पड़ी इस तलवार की चमक को इसके मुंह में देख लिया था और फिर ऐसा किया। अब इससे चट्टान को कैसे हटाऊं? उसने कहा था कि इस तलवार में तेजस्वी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बड़े अकलमंद निकले। पीछे हटो। हाँ, हाँ, हाँ। शुक्रिया सुल्तान। ओ हीरे की तलवार, तुम्हें ये कहां से मिली? ये उसी दरिंदे के पेट से मिली जिसने नदी को सुखा रखा था। ये कोई साधारण तलवार नहीं है, ये उसी को मिलती है जो दिल का सच्चा इंसान हो और इसके काबिल हो। खैर, तुम इसे अपने पास ही रखो और इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। ये लो। प्यारे देशवासियों, आज मुझे आप लोगों को ये बताने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और अपनी प्यारी शहजादी की शादी करने जा रहा हूँ। सलामत रहे। इस नौजवान के साथ जो बहादुर और ताकतवर है, ये है मुस्तफा, जिसने अपनी काबिलियत और अकलमंदी को हम सबके सामने साबित कर दिखाया है। हम पूरी सल्तनत की तरफ से इसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसकी बदौलत हमारे शहर में फिर से नदी बहने लगी। शुक्रिया मुस्तफा। मुस्तफा, जरा उस तरफ देखो,
कैसी बला है? ये कौन है? मुस्तफा, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। ये क्या बला है? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें पिछले 21 सालों से जानता हूँ। मैं हूँ ज़ीज़ी बा। पिछले 21 सालों से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। 21 साल? ये कैसा तरीका है मिलने का? और 21 साल का इंतजार? इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए जो एक कांटा मेरे रास्ते में था, मैं उसे खत्म कर दूंगा आज, मुस्तफा। तलवार में कोई तिलिस्मी ताकत है। शाबाश मुस्तफा, संभल गए। संभल गए। तलवार का सही इस्तेमाल कर रहा है। शाबाश मुस्तफा, शाबाश। बहुत अच्छे। शाबाश मुस्तफा, अपनी तलवार की ताकत का सही इस्तेमाल करो। आका, मेरे आका, आप जमीन पर, एक जमीन पर गिरना तो मेरा काम है, आप कैसे गिर गए? यहाँ से चले जाओ। बहुत बढ़िया मुस्तफा, बहुत बढ़िया। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी और शहजादी की शादी करना चाहता हूँ। बताओ तुम कब तैयार हो? अपनी हबीबी को यहाँ ले आने के बाद। लेकिन मुस्तफा, आखिरी हबीबी है कौन? वही जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने और कप्तान खान ने मेरी परवरिश की। आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। वो लोग जाओ बेटे, जाओ जल्दी से बरसा जाओ और उन्हें ले आओ। अब खुशियाँ मनाने का वक्त आया है। वही था मुझे मारने वाला, और मैं उसे खत्म नहीं कर पाया। मुस्तफा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उसे नहीं मार सकते। ये भविष्य का कहना है। मेरे पास भविष्य को बदलने की ताकत है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक उसके पास वो तलवार है। ठीक है, उस तलवार से दूर करने के लिए मुझे उसे इस जगह तक खींच कर लाना होगा, क्योंकि यहाँ मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये मेरा इलाका है। जागो गोहरा, जागो जागो, और जाओ ज़ियागा की शहजादी को उठा कर ले आओ। जो हुक्म मेरे आका। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं अब नहीं बचूंगी, नहीं बचूंगी। इसको क्या हुआ? मरो मत, वरना मेरे आका मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक। ये क्या हुआ? अब क्या करूं? बंद कर देता हूँ। मुझे इसको बंद करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ेंगे। जल्दी वापस आ जाओ मुस्तफा, हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और हमारी शादी का भी।
जल्दी से छुप जाओ, एक विशाल दरिंदा तुम्हें पकड़ने आ रहा है। भागो 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 शहजादी भागो। आखिर तुम मुझे मिल ही गई शहजादी लैला। छोड़ दो मुझे, बचाओ लैला। लैला मुस्तफा, लैला वो चली गई। चली गई पर कहाँ? लैला, एक विशाल दरिंदा उसे उठा ले गया। मुस्तफा ये क्या है? ये तो बोलने वाला लगता है। मुस्तफा तोता है? तोता ही है बेचारा। शहजादी बहुत बड़े खतरे में। नहीं। हाँ, एक बड़ा दरिंदा उन्हें उठाकर कहीं ले गया है। जी जी बा, बताओ, मुझे बताओ कौन हो तुम? तुम्हें जी जी बा के बारे में क्या पता है? नहीं, मैं नहीं बता सकती मुस्तफा, नहीं बता सकती। पर क्यों? तुम हबीबी हो ना? तुम्हें कैसे पता? हमें बताओ आखिर तुम कौन हो? जी जी बा और लैला के बारे में तुम्हें क्या पता है? बताओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं नहीं मुस्तफा बेटा, तुम रुक जाओ, मुझे पता है ये कोई बुरा पक्षी नहीं है। हमें बताओ तुम कौन हो? मुझे उस आईने के पास ले चलो। ठीक है चलो आओ। अब तुम बता सकती हो कि तुम कौन हो? अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर पहले वादा करो तुम लोग मेरी तरफ नहीं देखोगे। पर हम ऐसा क्यों करें मुस्तफा? इसकी बात मानो। ठीक है। मेरी कहानी लगभग 21 साल पहले शुरू होती है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। बरसा के शहजादे, तुम महान अलादीन के बेटे हो। अलादीन का बेटा? तभी एक दिन एक शैतान जादूगर जी जी बा ने महान अलादीन तुम्हारे अब्बू है और मैं दायना तुम्हारी माँ हूँ। मल्लिका दायना, ये आप हैं? क्या हम पीछे मुड़ सकते हैं? अम्मी अम्मी मल्लिका, तुमने देखा, तुम्हें तुम्हारी कहानी बताने के लिए इसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और खुद पत्थर बन गए। ओ, ये सब जी जी बा का श्राप है। इन्होंने हमेशा कहा कि तुम एक साधारण नाविक नहीं हो। मैं इनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। अपनी माँ को इस श्राप से मुक्त कराओ। ओ मल्लिका। जी जी बा, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मुस्तफा नहीं, तुम मरोगे शैतान तुम। का? पर इसको कैसे पता? मुस्तफा नहीं बच सकता है। नहीं। मैंने 21 साल इंतजार किया है और अब वक्त आ गया है। अब यहाँ आने के लिए बेताब होगा।
लैला। अब्बू, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। ये वही है। जी जी बा, तो मुस्तफा, तुम मुझे मारने आए हो? मुस्तफा, मुस्तफा, जब तक ये छड़ी मेरे हाथ में है, तुम्हारी तलवार कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें खत्म करने के लिए मैं किसी और का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अलादीन, तुम मेरी खातिर लड़ोगे अपने बेटे से? नहीं। अगर तुमने इस तलवार की ताकत का इस्तेमाल किया तो अपने अब्बा को खोदोगे, और अगर नहीं किया तो तुम्हारे अब्बा ही तुम्हें खत्म कर देंगे। मुस्तफा। अलादीन, इस तलवार को बर्बाद कर दो, इसके बाद मेरी छड़ी इस दुनिया पर राज करेगी। शैतानी ताकतों का राज? नहीं, नहीं, मत छोड़ो इसे, नहीं, नहीं। ये लो जी जी बा। किसने बचाया हमें उस जादूगर से? हमारे शहजादे ने। मुस्तफा। और ये उसकी होने वाली बीवी है। हमारा बेटा। हमारा बेटा? पिताजी। बेटा। बताओ मुस्तफा, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से दूर पश्चिम में एक खूबसूरत टापू। अच्छा?
शहजादी, आज रात को आपकी दासी क्या कर रही है? शुक्रिया मुस्तफा, तुमने हमें साथ ले लिया, वरना हम बेवकूफों की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते। मैं ज़ी ज़ी बा आपको हुक्म देता हूँ कि जब तक एंड क्रेडिट खत्म ना हो जाए अपनी जगह से मत हिलना। For more movies, subscribe to Prime Movies Channel.